हेलो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि पीसीआई ने एक गाइडलाइंस जारी किया था अभी 9 अप्रैल को, तो बहुत लोगों ने वीडियो बनाना बनाया, मैंने भी बनाया है एक दो वीडियो उसके ऊपर, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, डाउट्स हैं, तो आज वही क्लियर मैं करूंगा आपसे। एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। 4 क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आ रहे हैं कमेंट में। पहला है, ये फेक न्यूज़ है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये है तो हमारी यूनिवर्सिटी क्या इसको लागू करेगी ये रिकमेंडेशन। तीसरा है कि हम क्या करें, जैसे कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करें, हम पढ़ें या ना पढ़ें इसके भरोसे रहें कि हमारा यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करेगा। चौथा, मेरा ओपिनियन क्या है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, और अंत तक ज़रूर आपसे आग्रह है कि वीडियो ज़रूर देखें लास्ट में, वरना कन्फ्यूज़न रह जाता है, फिर आके कमेंट में आप लोग पूछते हैं। हाँ, तो पहला आंसर है, ये फेक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये पीसीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है नोटिफिकेशन। आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो पहला डाउट क्लियर हो गया, ये फेक न्यूज़ नहीं है। दूसरा ये है कि क्या ये सारे यूनिवर्सिटी लागू करेगी, तो ये लोग, ये चीज़ यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लागू करते हैं या नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये एक एडवाइजरी है पीसीआई के द्वारा और कुछ नहीं, ये कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको कंपलसरी आपको लागू करना है, ठीक है। दूसरा डाउट क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें, जैसे कि यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो ये लागू करता है एडवाइजरी या नहीं, तो हम क्या करें। हम तो फंस गए, हम तो कन्फ्यूज़न में हैं कि कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पढ़ते रहिए, अपने तैयारी करती रहिए इस सेमेस्टर का, या आपका अगर फाइनल ईयर वाला है, डी फार्मा वाले हैं या फोर्थ ईयर फाइनल ईयर वाले हैं, तो आप अपना कंटिन्यू रखिए अपना पढ़ाई, इसके भरोसे मत बैठिए। चौथा, मेरा ओपिनियन क्या है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो होगी, मेरे को जो लग रहा है कि 60-70% यूनिवर्सिटी इसको लागू कर सकती है, क्योंकि ये दिन पर दिन कोरोना का केस बढ़ते ही जा रहा है, तो हमको ये पता नहीं है कब तक लॉकडाउन चलेगा। दूसरे देश का एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, जैसे स्पेन हो गया और आप फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं, फिर भी वहाँ पे लॉकडाउन होते जा रहा है। तो इंडिया में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक कोरोना का केस आता रहेगा, बढ़ता जाएगा, लॉकडाउन होते रहेंगे, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आया है ना, इसका अच्छे से अभी कोई इलाज संभव है। तो ये खाली मेरा ओपिनियन है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप फॉलो ना करें, मैं नहीं कहूँगा कि आप ये फॉलो करें। तो आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है, इसके भरोसे ना बैठें, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से। धन्यवाद।